हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द माइलस्टोन एकेडमी पर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना आपको देनी थी। बहुत ही इंतज़ार था सभी लोगों को एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी के सारे ही जो पेपर थे वो हो चुके हैं, और उसकी फ़ीस जैसा कि आपको पता होगी, पहले 500 रुपीज़ जमा करवा ली थी जो जनरल कैंडिडेट्स थे उनसे, और बाद में फिर फ़ी रिफ़ंड होनी थी। और ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फ़ीस जमा थी और बाद में कुछ पैसे रिफ़ंड होने थे। तो उसका लिंक अब आ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे कि यार 400 रुपये वापस आने हैं, वो कब आएंगे। तो देख सकते हो आप, ये 31 तारीख तक लिंक अवेलेबल रहेगा, 31 अगस्त तक। तो ये आप RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, RRBCDG.gov.in, तो इस पर ये आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वो विंडो खुल जाएगी जहाँ पर आपको अपनी अकाउंट डिटेल भरनी होंगी, जो आपकी जो अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं इस समय, ठीक है, जिससे कि आपको रिफ़ंड पैसा हो सके। इसके अलावा एक और नोटिस आया है RRB का, ये ऊपर की तरफ है, आप देख सकते हैं ऑफिशियल साइट पे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो आपने क्वेश्चन जो पेपर आप दे चुके हैं उसकी आंसर की के बारे में उल्लेख किया गया है कि जो आंसर की है वो 16 तारीख से अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो 16 तारीख से आप आंसर की देख सकते हैं 23 तारीख तक, यानी एक हफ्ते के लिए एप्लीकेबल रहेगी। उसमें कोई आपको डाउट है तो वो भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो यानी कि जल्दी ही आंसर किया जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये रिज़ल्ट भी जल्दी ही दे देंगे। तो एक पॉजिटिव सूचना है ये हम सभी के लिए, जिन्होंने भी RRB का मेरे स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए सभी के लिए पॉजिटिव सूचना है कि भाई शायद रिज़ल्ट भी जल्दी इसका आ जाए और CBT 2 की भी फिर डेट दें। तो अगर आपने नहीं किया है तो ये सब चीज़ें आप कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल के साथ बने रहें, हम हमेशा आपके साथ हैं, जो भी हो सकेगा वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और जल्दी ही मैंने बताया आपको, करंट अफेयर्स के सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ मैं PET के लिए, तो 24 तारीख से पहले आपका वो भी कवर करा दूंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।